हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री का एमसीक्यू और ये वीडियो इंग्लिश में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टाइटल द फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू हुम। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते रहिए, ताकि आप लोग को यदि याद है तो एक रिविजन होता रहेगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, खासकर आप एसएससी लो या फिर रेलवे का एग्जाम लो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत कमिंस्ड इन द ईयर ऑफ, मतलब विक्रम संवत जो है ये किस वर्ष से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 58 BC से। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला देखते हैं। साका संवत हैज कमिंस्ड इन द रीजन ऑफ विच किंग। अभी कुछ देर पहले विक्रम संवत था, अभी साका संवत, तो ये किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था। और कब शुरू हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 58 BC में तो शुरू हुआ था विक्रम संवत, और लेकिन 78 AD में शक संवत शुरू हुआ था। और हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर अभी जो है इंडियन कैलेंडर, वो शक संवत पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल। फॉसिल मतलब अवशेष जो मिलता है उसके अध्ययन में कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। और ये कौन सा कार्बन? तो ये C14 से किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, C14 याद रखिएगा, इसके द्वारा किया जाता है। अगला है त्रिपिटक इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ, तो ये रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ माना जाता है। अगला है जातक इज टेस्ट ऑफ, तो ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है बुद्धिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। कौटिल्यास अर्थशास्त्र डील्स विथ द एस्पेक्ट ऑफ, मतलब कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो किस टॉपिक के बारे में उसमें लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कौटिल्य का जो है ओरिजिनल नाम पूछा जाए एग्जाम में तो विष्णुगुप्त है, और ऐसे कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखिए, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। और इनके द्वारा बुक कौन सा लिखा गया? अर्थशास्त्र, ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँच सके। अगला देखते हैं। ट्रैवलर इब्न बतूता कम्स फ्रॉम, तो ये कहाँ से आया था? कि एक मोरक्को कंट्री है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से आया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हन बुक, कल्हन के बुक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजत रंगनी। देखिए ये क्वेश्चन उलट के भी आता है कि रजत रंगनी बुक के जो ऑथर है उनका नाम क्या है, तो कल्हन। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। देखिए इंडिका, इंडिका जो बुक है ये मेगास्थीनीज के द्वारा लिखा गया है, ये भी एग्जाम में आता है। अर्थशास्त्र तो पता है कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, ये तीनों बुक इम्पोर्टेंट है। अगला है फाहियान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बी नहीं होगा, एच होगा। फाहियान कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग हुम रीजन, किसके शासनकाल में फाहियान इंडिया विजिट किया था?
तो ये किया था चंद्रगुप्ता सेकेंड के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थीनीज बुक। तो जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिका जो है लिखा हुआ मेगास्थीनीज के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर आप बुक ऑथर से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, हिंदी में है लेकिन वो आप देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें पुराने जितने भी बुक है जैसे मेगास्थीनीज के द्वारा लिखा गया या पाणिनि के द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा, ये सब जितना भी बुक है या विष्णु शर्मा के द्वारा, तो पुराने बुक से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नए बुक से भी आता है क्वेश्चन लेकिन पुराने बुक से अक्सर रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए जाके, वो छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का, उसमें सारा बुक एंड ऑथर कवर किया गया है। अगला है, हु हैज रिटन द हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया वानभट्टा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, अमोंग द फॉलोइंग व्हिच फॉरेन ट्रैवलर हैड कम फर्स्ट टू विजिट इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जो सबसे पहले इंडिया को विजिट किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थीनीज सबसे पहले इंडिया आया था। अगला है, अफ्रीकन ट्रैवलर इब्न बतूता कम्स इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में डिस्कवर किया गया। और आप लोग को यदि पता है कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया तो वो आप कमेंट करके बताइए कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। और हड़प्पन सिविलाइजेशन पे भी मेरा एक फुल वीडियो है, हिंदी में सारा MCQ कवर किया गया, ऊपर आई बटन में है, आप वो जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सारा क्वेश्चन MCQ कवर किया गया है। अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एनिशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। मतलब कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट है जो एनिशियंट इंडिया में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर जो है ये है खड़ोष्टी, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु डिसेफर्ड सोकन इंस्क्रिप्शन वाज, मतलब कौन सा पहला अंग्रेज है जो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है उसको पढ़ा था, तो ये सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, व्हिच समुद्रगुप्ता's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हिज मिलिट्री अचीवमेंट। तो मिलिट्री अचीवमेंट कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, तो प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है ये मिलिट्री के अचीवमेंट के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडो वैक्टेरियन। देखिए कहीं कहीं इंडो ग्रीक भी रहेगा तो आप ऑप्शन वो टिक करके आ सकते हैं, तो कहीं इंडो वैक्टेरियन लिखा हुआ रहता है या इंडो ग्रीक। सबसे पहले गोल्ड का क्वाइंस इशू किया था इंडिया में। अगला है, एमोंग द फॉलोइंग हु इज द गोल्ड क्वाइन एट लार्ज स्केल। सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में गोल्ड क्वाइन कौन इशू किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण के शासनकाल में, कुषाण जो रूल वंश था इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन इशू किया गया था। ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में है, या फिर आप लोग एक बार चैनल पर जरूर जाइए और चैनल पर जाके देखिए। यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो GKGS इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा इंग्लिश वाला वीडियो है, और हिंदी में देखना चाहते हैं तो
उसके लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप जिस भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।